हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रताप पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल इन पढ़ाई मेड इजी। एंड अब तक हमने देखा था माय चाइल्डहुड के दो पार्ट, जिसमें हमारे जो देश के माननीय राष्ट्रपति रहे माननीय APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में हम पढ़ रहे थे, और आज हम देखते हैं उसका तीसरा पार्ट। तो क्या होता है आगे देखते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। तो वो कहते हैं कि फिर फाइनली क्या हुआ कि एक समय आया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और अब जो है इंडिया की फ्रीडम जो है इमिनेंट, यानी मतलब एकदम निश्चित ही तय थी कि ये होना ही होना है। और एक एक्चुअली में इमिनेंट वो चीज़ होती है जो कि मतलब निश्चित तो हो, होना हो लेकिन थोड़ी अनप्लेजेंट हो। तो भारत की स्वतंत्रता भी जो थोड़ी क्या थी, भले ही हमारे लिए आज बहुत बड़ी मायने की बात रखती है, लेकिन उस समय वो सबको पता था कि ये थोड़ी सी अनप्लेजेंट होने वाली है। और वो क्यों? क्योंकि हमारे देश के दो टुकड़े भी होने वाले थे। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, गांधी डिक्लेयर्ड गांधी जी, और उस समय गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा पूरा देश जो है एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड यानी अनपैरेलल, यानी कि ऐसा ऐसी ऐसी आशा ऐसी उम्मीद, ऑप्टिमिज्म का मतलब ऐसी उम्मीद जो कि क्या हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, मतलब जिसको बयान ना किया जा सको किया जा सके कि किस तरीके की उम्मीद थी, कितनी उम्मीद थी भारत के लोगों के अंदर। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम, मैंने अपने पिताजी से पूछा रामेश्वरम छोड़ने के लिए, एंड स्टडी एट दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और ताकि मैं कहाँ पे जा सकूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जा सकूँ, वहाँ पे पढ़ाई कर सकूँ, इम रामनाथपुरम, कहाँ पे, जो कि रामनाथपुरम में था। आगे देखते हैं तो जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि किस तरीके से सुब्रमण्य अय्यर अय्यर की जो वाइफ थी, टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी विद फूड। तो यहाँ पे जो है उसका एक छोटा सा एक क्या है कैरिकेचर यानी स्केच उसका कुछ दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। तो जब मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम जाना है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो कुछ सोचते हुए कह रहे हैं, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मुझसे कहने लगे, अबुल मुझे पता है कि तुम्हें जाना होगा, यू हैव टू गो अवे, यू हैव टू ग्रो, तुम्हें बढ़ना है। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगुल जो है सन के जो है आर पार नहीं उड़ती है? तो सीगुल के अगर बारे में बात करें तो सीगुल ये बर्ड है, ये जो है ये बर्ड, इसे हम क्या कहते हैं सीगुल, और ये सी बर्ड है जो कि सी के सरफेस के ऊपर रहती है और उसी के ऊपर उड़ती है, और अक्सर जो है ये अपना नेस्ट नहीं बनाती है। तो वो कहते हैं कि क्या सीगुल नहीं उड़ती है अक्रॉस द सन अलॉन, और वो भी अकेले उड़ती है विदाउट अ नेस्ट, उसके पास तो नेस्ट भी नहीं होता है। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। तो फिर उसके बाद वो खलील जिब्रान की एक लाइन मेरी माँ को सुनाते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरी माँ बहुत ही हेजिटेंट थी मुझे भेजने के लिए। वो कहते हैं, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, आपके बच्चे नहीं होते हैं, दे आर दी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। वो किसके बेटे और किसकी बेटियाँ होते हैं? जीवन की इच्छाओं की, खुद की जो है क्या होते हैं, बेटे और बेटियाँ होते हैं। दे कम थ्रू यू, हाँ ये बात तो ज़रूर सही है कि वो आपके जरिए आते हैं, आपसे होके आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो आपसे होते नहीं हैं। यू मे गिव दिम योर लव, हाँ आप अपना प्यार उन्हें ज़रूर दे सकते हैं, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपनी सोच उन्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो एक दिन अपनी नई सोच डेवलप करेंगे और अपनी नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनकी अपनी क्या होती है, अलग सोच होती है। तो इस तरीके से जो है APJ अब्दुल कलाम के पिताजी APJ अब्दुल कलाम को जाने देते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ये तो थी APJ अब्दुल कलाम की कहानी जो कि आप पढ़ रहे थे विंग्स ऑफ फायर में। अच्छा, एक खलील जिब्रान एक ऑथर का नाम आया, तो मैं आपको दिखा दूँ खलील जिब्रान कौन है। खलील जिब्रान एक्चुअली में ये हैं, और ये एक अमेरिकन लेबनीज एक राइटर थे जिनका जन्म एक्चुअली में सीरिया में हुआ था, और ये बहुत ही महान जो है लेखक थे। तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं की लाइन को कोट करते हुए कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, जीवन की अपनी इच्छाओं के बच्चे होते हैं, और एक दिन आप क्या कर सकते हैं, उन्हें अपना प्यार तो दे सकते हैं पर अपनी सोच नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सोच होती है। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग पढ़ाई मेड इजी।